शहरों से ऐसा वाइब्रेशन आने लगा है। हमारा इस समय पहला यात्रा में शामिल हो रहा हूं। जगह जगह से जहां जहां से परिवर्तन यात्रा चल रही है, वहां से जो छत्तीसगढ़ में जो कुशासन और भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लोग खुद ही खड़े हो रहे हैं। हम भी उस अपना गिलहरी का प्रयास करेंगे। अपनी भारतीय जनता पार्टी का सरकार आए और जो नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की उनके कार्यशैली का जो फल है, जो वो छत्तीसगढ़ को भी मिले, ऐसा हमारा प्रयास। मध्य प्रदेश में जो लिस्ट जारी हुई है उसे लेकर भूपेश बघेल का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, बात हार रही है, इसलिए सांसदों को जो टिकट को बढ़ावा दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ को भी लेकर कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी शायद इनके पास चेहरे नहीं है, इसलिए सांसदों को अब विधायक चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। तो सांसद के लोग अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो हम उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर ये वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना लें तो ये उनकी स्ट्रेटजी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे जीतेंगे ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं। उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे, तो कौन सनातन धर्म को? अब तो ये लड़ाई ऐसी है कि भाई सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है, लेकिन जो समाज में जो सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी राज्य में ये लोग रह पाएंगे। 75+ की बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही। देखिए कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का तो एक बचा खुचा यही किसी तरह छत्तीसगढ़ में उनकी इज्जत बची हुई थी राजस्थान में, अब जो इनका कर्म है उसके आधार पे वो भी चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान था कांग्रेस के शहरी नक्सली वाला, उसको लेकर मुख्यमंत्री बोले हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का बात कर रहे थे, अब कांग्रेस भारत में बीजेपी को ना समझे नहीं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा था कि नक्सली गतिविधियों को और बाकी चीजों को लेके कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम बीजेपी मुक्त भारत करेंगे। अभी देखिए हम तो कहीं देख रहे थे किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के सामने ही कोई कह रहा था कि भाई आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपका एक्सीडेंट कराएगा, राजनीतिक एक्सीडेंट। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस इनका यही तो हर जगह इनको समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ को उसका हक मिलना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी दे सके। ठीक आई।